शांति। आज की तारीख है 21/8/14 और आज की ज्ञान मुरली हम सभी पतित बच्चों को पावन बनाने वाले पतित पावन बाप दादा कहते हैं। मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है, हम बच्चे जानते हैं कि अभी है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का बीच का समय संगम युग। तो संगम युग पर जो बाप ने स्मृतियां दिलाई हैं उसका स्मरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है आज का, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख। दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जैसे हमको ज्ञान अंजन सतगुरु बाबा ने दिया तो हमारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हुआ, ऐसे हम अन्य आत्माओं का भी अज्ञान का अंधकार दूर करें। नंबर 2 है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सेहत सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। वरदान है आज का, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं कि अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। हरेक अपनी भूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती हैं। स्लोगन है आज का, स्वमान की सीट पर स्थित रहकर सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।